बेटा आज मुझे बिल्कीज के घर ले जाना, तुम्हें याद है ना? हाँ ठीक है, बस आप तैयार हो जाएं तो चलते हैं। अरे तैयार क्या होना, बस नाश्ता कर लेते हैं और चलते हैं। तो सुरैया, बेटा सुरैया को भी अपने दोस्त की तरफ जाना है। इसे कौन सी दोस्त की तरफ जाना है? और वैसे वो है कहाँ अभी? नाश्ते में भी नजर नहीं आ रही। आज सुबह से ना किचन में है, वही नाश्ता बना रही थी। वाह भाई, आज तो बड़े काम हो रहे हैं। हाँ ये वैसी बात भी नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती। हाँ बेटा आज का नाश्ता भी सुरैया ने ही बनाया है। आज का क्यों मम्मी, अब सुबह का नाश्ता सुरैया को बनाने दीजिए। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो फजूल में मुझे ये सजा मिल रही है? ये सजा नहीं है, ये ट्रेनिंग है तुम्हारी। कैसी ट्रेनिंग भाई? जाहिर सी बात है, अब तुम्हें अपने ससुराल जाना है, कुछ सीख के ही जाओगी ना। इस तरह जाओगी तो हमारी नाक कटाओगी। अमीन देखे ना भाई कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा। मतलब अब आप भी भाई की साइड लेंगी? अम्मी भाई का नहीं, सच का साइड ले रही है। मुझे ना आज का नाश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था, फजूल में मैंने इतनी मेहनत की। बिला वजह नहीं, बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है मेरी बेटी ने। अच्छा हो गई तुम्हारी तारीफ, अब खुश? अब बताओ जाना कहाँ है तुम्हें? मुझे आयशा की तरफ जाना है, आपके पूछ रहे हैं? वो दरअसल अम्मी को जाना है ना पुराने इलाके, टीपू की अम्मी से मिलने। तो मैंने सोचा अगर मैं अम्मी को ड्रॉप करूंगा तो तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। अब वो भाई मैं पहले आयशा से कंफर्म तो कर लूं कि वो यहाँ आएगी या मैं वहाँ आ जाऊँ। नहीं पता कर लो यार, मुझे ऑफिस भी जाना है। नाश्ता तो करने दें पहले स्कूल से। क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ। तुम्हें तो बुखार है, रुको मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ। अदनान कोई जरूरत नहीं, होता रहता है बुखार। आपने ऑफिस जाना है, मैं नाश्ता बना दे। कोई जरूरत नहीं तुम्हें नाश्ता बनाने की, ये तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम कहीं नहीं जा रही, और मैं अभी अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा रहा हूँ। अदनान पर अब क्यों, रहने दे। हाँ फहद, फहद आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दे, और कल परसों की भी जो भी हो मुझसे पूछे बगैर मत रखना, ठीक है? वो मैं तुम्हें बता दूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारी क्या बच्चों वाली हरकत है, चले जाते ना आप ऑफिस में, ठीक हो जाती। ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं ऑफिस चला जाऊंगा। इतनी जल्दी कहाँ से ठीक हो जाऊँ? एक मिनट रुको, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर अनवर, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, मैं सही हो जाऊंगी, बुखार ही तो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अदनान बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? जी 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 डॉक्टर साहब, क्या आप आ सकते हैं? जी मैं एक घंटे बाद आपके पास आ जाऊँ। ठीक है चलो जी, डॉक्टर साहब भी आने वाले। थैंक यू। किस लिए? मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। अच्छा अब मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? हाँ कुछ बना दो, कुछ भी नहीं खाया होगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, लेट जाओ। आपको कुछ बना दो खाना है तो। मैं आपको कुछ बना दूँ? थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ। अदनान कैसे बनाएंगे क्या? मैं बना लूंगा, कोशिश कर सकता हूँ।